अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अरसलान और आप देख रहे हैं केडी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक के कोर्स से रिलेटेड, और ये वीडियो हमारे डेटा एनालिटिक के कोर्स की फर्स्ट और इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम कुछ थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व डेटा एनालिटिक्स में, कौन से टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, और कुछ हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन को देखेंगे डेटा एनालिटिक्स की। तो इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंसाइट फ्रॉम द डेटा टू इन्फॉर्म डिसीजन एंड ड्राइव बिजनेस आउटकम्स। डेटा एनालिटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम कुछ इंसाइट्स को निकालते हैं और इन इंसाइट्स के थ्रू हम एक डिसीजन तक पहुँचते हैं, और वो डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो एक डेटा एनालिस्ट के हेल्प से होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, आपके गोल को देखना होता है, क्या आप अपने डेटा से क्या गोल हासिल करना चाहते हैं। देन आप अपने डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं वेरियस रिसोर्सेज से। फिर हम उस डेटा को क्लीन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारी जो डेटा की क्वालिटी है वो रिलायबल हो। फिर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, जिससे हम अपने डेटा के बारे में डेटा स्ट्रक्चर का पता करते हैं, पैटर्न और रिलेशनशिप के बारे में हमें पता चल जाता है। फिर हम डेटा एनालिटिकल टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे हम अपनी मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम अपने डेटा को एक विजुअल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि चार्ट हो गए, ग्राफ हो गए, डैशबोर्ड हो गए, जिससे कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। इसके बाद हम अपने इन इंसाइट्स को यूटिलाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। फिर हम उन डिसीजन के हेल्प से कुछ एक्शन लेते हैं और हम मॉनिटर करते हैं अपने डिसीजन को। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने डेटा एनालिटिक के इस कोर्स में कौन कौन से टूल का यूज करने वाले हैं, और इसके साथ हम पाइथन की ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जिनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है जुपिटर नोटबुक, और इसके अलावा आप गूगल कोलैब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं वो हम जुपिटर नोटबुक का यूज़ करने वाले हैं। और पाइथन की कुछ लाइब्रेरी का मैं आपको बता देता हूँ जो हम अपने इस कोर्स में यूज़ करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हमारे पास आ जाती है पांडास लाइब्रेरी, और जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी हमारे पास होती है वो होती है नंपाय, एंड ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैटप्लोटलिब का यूज किया जाता है, और इसके साथ आप सीबोन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है वो मैं आपको बता दूं, पांडास, नंपाय, मैटप्लोटलिब, इनका बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, और सीबोन, साइपाई, इनका हम थोड़ा कम यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशन के बारे में। डेटा एनालिटिक्स आपको बिजनेस इंटेलिजेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब वो कैसे, कि आपने डेटा लिया, उसके इंसाइट्स निकाले, अब उन इंसाइट्स के थ्रू आप डिसीजन ले सकते हैं इजीली, जिससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजी में हेल्प मिलती है। कस्टमर एनालिटिक्स, कस्टमर एनालिटिक्स से मतलब ये कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनका आप बिहेवियर देख सकते हैं, उनकी नीड्स को देख सकते हैं और मार्केटिंग कैंपेन को देख सकते हैं, जिससे आप अपनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर की स्ट्रेटेजीज को भी समझ सकते हैं। हेल्थ केयर एनालिटिक्स, हेल्थ केयर एनालिटिक्स आपका मतलब ये है कि जो हम डेटा एनालिटिक्स का हम यूज करते हैं वो मेडिकल की फील्ड में भी हो सकता है। वो कैसे, आपके पास बहुत सा मेडिकल का डेटा होना चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए, और आप इसमें से कुछ रिसर्च करते हैं जिनके बेसिस पे आपको अपने पेशेंट्स के बारे में पता चल जाता है, फिर आप उनकी ऑप्टिमल हेल्थ केयर ऑपरेशन कर सकते हैं, और इससे आपको एविडेंस का भी पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी ज्यादा पेशेंट्स में पाई जाती है, कौन सी कॉमन बीमारी है, और इस तरह से आप अपनी डिसीजन को ले सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।